अर्थातच भारतीय वस्त्रोद्योग जगभरातील बाजारामध्ये जवळजवळ दुसऱ्या क्रमांकाचा हा व्यवसाय. कृषी व्यवसायानंतर कापड निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये भारतानं सर्वोत्तम स्थान निर्माण केलेलं आहे. रोजगार क्षेत्रातील एक सर्वोत्तम क्षेत्र म्हणून या व्यवसायाकडे पाहिलं जातं. आज आपण पाहणार आहोत याच व्यवसायातील ज्वलंत प्रश्नांवरील उहापोह. कॉटन कॉन्क्लेव 2018. इंडियन मर्चंट्स चेंबर चर्चगेट येथील कॉटन कॉन्क्लेव 2018, चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री विथ कॉटन गुरु असं या परिषदेचं स्वरूप होतं. शेतकऱ्यांपासून उद्योजक, पॉलिसी मेकर्स ते टेक्सटाईल कमिशनर पर्यंत अनेक जण एका टेबलावर चर्चेसाठी हजर होते. कॉटन उद्योगातील लहानात लहान समस्येपासून ते निर्याती संदर्भातील सर्व समस्यांवर गुणात्मक चर्चा झाली. कॉटन कॉन्क्लेव 2018 मध्ये CAI चे अध्यक्ष अतुलभाई गणात्रा, TAI चे माजी अध्यक्ष अरविंद सिन्हा, CCI चे CMD श्रीमती अली राणी, महाराष्ट्रातील उत्पादनात उच्चांक गाठणारे शेतकरी अमृत देशमुख, CAI चे उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंग राजपाल, IMC ERTF चे संचालक जी चंद्रशेखर, शेतकरी घनश्याम बारोट, IJ धुरिया, टेक्सटाईल कमिशनर श्रीमती कविता गुप्ता, प्रशाभाई पटेल, इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीचे भीष्म पितामह सुरेशभाई कोटक, CTIT चे अध्यक्ष संजय जैन इत्यादी मान्यवर तज्ज्ञ यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. मैं ये कहना चाहूंगी इसमें आई वॉन्ट टू गिव ओनली 3 or 4 पॉइंट्स बिकॉज टाइम इज शॉर्ट. वन इज आई वुड लाइक टू से कि ये जितना भी हमारा एक इकोसिस्टम है इन विच शेतकरी आते हैं, मिल्स आती हैं, जिनिंग फैक्ट्रीज आती हैं, ये सारे जितना भी इकोसिस्टम हमारा कॉटन में है, ये आइदर एवरीबडी विल विन और एवरीबडी विल लूज. तो इसको एक प्रकार से साथ में लेकर उन्नति करनी है. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या उद्योगातील गुणवत्तेला किती महत्त्व आहे यावरही प्रकाश टाकण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते कॉटन गुरु कॉटन अॅन्युअल 2017 आणि 2018 या अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. या परिषदेत रेकग्निशन फॉर एक्सलन्स म्हणून निवडक व्यक्तींचा सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. ही परिषद सर्वार्थाने यशस्वी झाली असं म्हणायला हरकत नाही. My name is Chandrasekhar. I want to start by complimenting Cotton Guru and Manish Daga for organizing this event, which is in some kind of a stakeholder consultation for strengthening the cotton sector. We heard views of a large number of people. There are wonderful, very practical recommendations and suggestions. Humne aaj industry experts, farmers se lekar brands tak aur policy makers, jo government officials hai, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, MLC और टेक्सटाइल कमिश्नर, इनको साथ में एक ही राउंड टेबल पे, एक फार्मर एक जिनर के साथ में, स्पिनर के साथ में, टेक्सटाइल कमिश्नर के साथ में बैठा है एक टेबल पे, तो ये उसके लिए बड़ी बात है और एक स्पिनर के लिए भी एक बड़ी बात है कि एक फार्मर कुछ शेयर कर रहा है सामने बैठ के. तो ये जो एफर्ट हमने लिया है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है, सबसे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हमें मिले हैं. रॉ कॉटन is a very important commodity and one of the biggest value wise in the country. The needs of the industry with expansion and modernization, the cotton consumption will keep going up. Therefore it is necessary to take lessons from today's conference and make sure that everybody works for the same purpose, to improve the quality of cotton, quantity of cotton, yield, and that will help overall the
to double the farmers' income. ये जो आज का कंक्लेव किया कॉटन के ऊपर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि देश की जो टेक्सटाइल और कॉटन का जो फाइबर का इकोनॉमी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसलिए जो आज की जो चर्चा हुई बहुत अच्छी हुई और अपना ये देखने का है कि फार्मर का कल्याण कैसे हो उसका जो यील्ड है उसकी जो प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़े उसकी आमदन कैसे बढ़े और इंडस्ट्री को गुड क्वालिटी कॉटन कैसे मिले हा एक मोठा प्रयोग आहे नदी जोड प्रकल्पाचा तो जर सक्सेस झाला भारतामध्ये तर कुठेही पाण्याचा प्रश्न हा राहणार नाही आणि प्रत्येक शेतकरी हा त्यामुळे सुफलाम होणार आहे अभ्यासातून मिळालेली दिशा ही आजच्या तरुण